सुनिए बेटा, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुका है कि भाई हमारी जो पोजीशन सेंटर ऑफ मास की क्या होती है। आप कहेंगे सर एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री एंड सो ऑन डिस्क्रीट के लिए। बाकी इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन अगर आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में भी हम लोग वो सब चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि रिंग का क्या होगा वगैरह वगैरह, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन, जहाँ तक भी हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं इसी चीज़ को डिफरेंशिएट कर दूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? आप कहेंगे दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी। मैं इसको क्या बोल दूँ? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी तरह बेटा एम वन एम टू प्लस एम थ्री सब तो चेंज नहीं होने वाला, इनको तो ऐसे रहने चाहिए। ऊपर वाले टर्म आपके डिफरेंशिएट करूंगा, एम वन आपका जैसा था एज इट इज रहा, ये एम टू दिस इज एम थ्री। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, अगर मैं आर वन को पोजिशन ऑफ आपका मास वन इज नथिंग बट आर वन चेंजिंग विद टाइम, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? डी आर बाई डी टी। ये आपका डी आर टू बाई डी टी, डी आर बाई थ्री। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ फर्स्ट मास विद रेस्पेक्ट टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी। मैंने इसी बात को लिख लिया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज नथिंग बट एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री एंड सो ऑन डिवाइड बाई आपका टोटल मास एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें ध्यान में रखनी है, हमारे इस्तेमाल आएगी, यूज में आएगी। इसी तरह से मैं पूछूं बेटा एक्सलेशन ऑफ सेंटर मास कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए वन हो जाएगा, ये ए टू, ये ए थ्री, यहाँ पर एक्सलेशन ऑफ सेंटर मास। दोनों तीनों इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, तीनों इक्वेशन ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है बालक? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ भाई, सपोज करो मेरे पास तीन मास है, एम वन है, लेट बी दिस इज एम टू एंड दिस इज एम थ्री, ठीक? अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपका जो फर्स्ट वाला फोर्स मास है उसको मान लो एम वन, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन कौन से हुए? थोड़ा सा मैं चीज़ों को आसान करने के लिए थोड़े देर के लिए मान लेता हूँ केवल केवल ये आपके मासेज हैं, इनके ऊपर चार्ज वगैरह कुछ नहीं, तो केवल केवल एक्स्ट्रा आपका जो है ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। तो एम वन को अट्रैक्ट कर रहा होगा एम टू, एम वन को अट्रैक्ट कर रहा होगा एम थ्री भी। तो एफ वन के ऊपर दो फोर्स बेटा कौन कौन से? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, यही होंगे? आप कहेंगे हाँ सर। हम जानते हैं टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एम टू की बात करूँ जरा, तो आप कहेंगे एम टू को अट्रैक्ट कर रहा होगा कौन? एम वन, और एम टू को अट्रैक्ट कर रहा होगा एम थ्री। तो फोर्स ऑन जो टू टू सेकेंड पार्टिकल उसके ऊपर कौन कौन से? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री। अच्छा एक चीज देखो बेटा, जितना फोर्स वन के ऊपर टू लगा रहा होगा उतना ही फोर्स टू के ऊपर वन भी लगा रहा होगा। टू एवरी रिएक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एग्री? इसी तरह मैं थर्ड पार्टिकल की बात करूं, इसके ऊपर दो फोर्स होंगे कौन सा? एफ ऑन थ्री ड्यू टू वन, फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू आपका टू। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो जरा ध्यान से देखो बेटा, ये सारे के सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब सर बेटा एफ वन टू एफ टू वन से, एफ वन थ्री एफ थ्री वन से, एफ टू थ्री एफ थ्री टू से कैंसिल। आप कहेंगे हाँ सर, और ये सारे फोर्स कौन से थे? आप कहेंगे सारे फोर्सेस तो जो सिस्टम है उसके इंटरनल के फोर्स है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा, हमारे जो इंटरनल फोर्स है वो सारे के सारे जब सम अप करेंगे तो सब जीरो हो जाएंगे। तो मैंने वही काम यहाँ पर किया, जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा एम वन ए वन, एम टू ए टू, एम थ्री ए थ्री, मैंने इसको एफ वन एफ टू एफ थ्री बोल दिया। एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स है, तीन ही मान लूँ है, चार पाँच छः ज़्यादा भी सकते हैं। तो जो नेट फोर्सेज हैं एफ एक्सटर्नल और एफ इंटरनल बनेगा, लेकिन जब इंटरनल फोर्स की बात करेंगे तो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस इज जीरो। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या बता रहा है? केवल और केवल आपका एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बता रहा है, इंटरनल फोर्स का तो मतलब ही नहीं है। या ऐसा कह दो, इंटरनल फोर्सेज की वजह से आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो सकता है। बात समझ में आई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। आई जरा इसके ऊपर बेसिक बेसिक चिंटू चिंटू से क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा था, कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या कह रहा था? एक आपका मास दो किलोग्राम का है, एक मास आपका तीन किलोग्राम का है। दो किलोग्राम का मास बेटा राइट की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तीन किलोग्राम का मास लेफ्ट की तरफ आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। पूछा गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताइए, ठीक है? आई जरा देखते हैं, हमें पता है फॉर्मूला में पता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। एम वन कितना? दो। एम टू कितना? थ्री। एम वन की वेलोसिटी कितनी? टेन। टेन किधर? राइट की तरफ। हम लोग जनरली राइट की तरफ को पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ को नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने बेटा वेलोसिटी जो है आपकी कितनी ले ली? प्लस की टेन ले ली।
और आपका जो दूसरा मास है इसकी वेलोसिटी कितनी, 15 नहीं -15, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2, इधर आ गया 20, इधर आ गया 45, 20 माइनस 40 -25 बाई 5 इज नथिंग बट -5, मतलब सेंटर ऑफ मास बेटा लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, वो कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से, माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। आ जाइए जरा अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, इसी तरह एक क्वेश्चन है, एक मास था बेटा m1 जो कि आपका 2 किलोग्राम का है, ठीक, एक मास टू आपका और कितनी स्पीड चल रहा बेटा, 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, एक मास है बेटा आपका 2 किलोग्राम का जो कि 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है लेफ्ट की तरफ, एक मास है बेटा आपका 1 किलोग्राम का जो कि राइट की तरफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, पूछा गया था सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला मास m1, दूसरा मास भी 2 किलोग्राम का, तीसरा मास 1 किलोग्राम का, इनकी वेलोसिटी, पहला वाला मास राइट की तरफ भाग रहा है कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से, तो मैंने प्लस का 5 लिया इसको, दूसरा मास लेफ्ट की तरफ भाग रहा था -10 से, तो मैंने इसको -10 लिया, तीसरा मास 10 से भाग रहा था राइट की तरफ, ये लीजिए बेटा 2 × 5 = 10, टू आपका 10 + 10 = 20 और ये माइनस का 20 बीच वाला, तो कितना आ गया आंसर बेटा 0, 0/5 = 0, सेंटर मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा, देखो कितनी कमाल की बात है, तीनों मासेस अपनी जगह से हिल रहे हैं, तीनों की इंडिविजुअल की वेलोसिटी है लेकिन सेंटर मास की वेलोसिटी नहीं है, ये बिल्कुल कुछ कुछ ऐसी ही कहानी है, जैसे एक छोटा सा बच्चा है वो लेटा हुआ है, वो अपने हाथ पैर चला रहा है, उसको चलना नहीं आता, अभी हाथ पैर मार रहा है, इधर उधर पटक रहा है, सर भी हिला रहा है, आँखें घुमा रहा है, कान भी हिला रहा है अपने, ठीक है, सांस भी ले रहा है, लेकिन उसकी जो नाभि है, वो छोटा बच्चा 2, 4, 6 महीने का बच्चा मान लीजिए, लेकिन उसकी जो नाभि है वो नहीं है, उस जगह सेंटर मास को नहीं हिल रहा अपनी जगह से, हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, उसकी आँखें भी चल रही है, गर्दन भी घुमा रहा है इधर उधर, लेकिन सेंटर मास वजह से मूव नहीं कर रहा, कुछ कुछ ऐसी ऐसी कहानी मान लीजिए, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और हमारा, इसके बाद क्वेश्चन था कि भाई आपका सारी सरफेस स्मूथ हैं और ये पुली वाला सिस्टम हमने बना रखा है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है बेटा, ये पुली थी यहाँ पर, आपका ये पुली सिस्टम है, ठीक, सारी सरफेस मैं मान के चल रहा हूँ स्मूथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूछा गया था फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द इंस्टेंट व्हेन, जब फर्स्ट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी वी नॉट मानी गई है, ऑल द सरफेस आर स्मूथ, इसने क्वेश्चन में कह दिया है, ठीक है बेटा। तो अब सुनो, ध्यान में रखना कि भाई हम जो यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास हो गया, पोजीशन ऑफ सेंटर मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया सेंटर मास का, वो सारी क्वांटिटीज वेक्टर हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना ही है हर हाल में, ठीक। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करने जाते हैं, देखो बेटा ये आपका वी नोट से भाग रहा था, हाँ जी, एक ही स्ट्रिंग है, स्मूथ सारी सरफेस है, पक्की बात है, अगर ये वी नोट से इधर की तरफ भाग रहा तो उसी स्पीड से ये भी नीचे की तरफ गिर रहा होगा, दोनों की स्पीड तो सेम ही होने वाली है सर, आप कहेंगे ठीक है सर बात, स्पीड नोट दी वेलोसिटी, सर स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग, यस बेटा स्पीड तो मैं ही छूट होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी तो उसके डायरेक्शन की रहेगी, ठीक है। तो मैं कहना, मैंने कह दिया बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज नथिंग बट m1v1 + m2v2 / m1 + m2, जनरली हम लोग राइट की तरफ को बेटा पॉजिटिव एक्स मानते हैं, ऊपर की तरफ को पॉजिटिव वाई और बाहर की तरफ को जेड मान लेते हैं जनरली, तो मैंने फर्स्ट वाला जो मास है इसकी वेलोसिटी कितनी लिख दी, वी नॉट आई वेक्टर के साथ, क्यों सर वेक्टर को लिखा बेटा, यहाँ पर जरूरत थी वेक्टर लिखने की, इसलिए लिखा वी नोट आई लिख दिया। आपका जो नीचे की तरफ गिर रहा इसकी भी स्पीड तो वी नोट ही रहेगी, लेकिन नीचे की तरफ माइनस का जे भी लगा दिया, बस आंसर आ चुका, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर है सबको।